जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास जो है जनरल मैथ गैस पेपर, पहले तो आपको 2022 है। एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों ने चैप्टर 3, 7, 4, 9 ये एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। ऊपर चैप्टर डिस्कस किए गए हैं और दूसरे मतलब ये चैप्टर जो एमसीक्यूज़ के लिए हैं। नीचे देखें क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखते हैं तो आप लोगों का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में से उसने शॉर्ट 3 क्वेश्चन उठाने हैं। इसी तरह चैप्टर 2 के अंदर उसने 4 क्वेश्चन उठाने हैं और चैप्टर 3 में से उसने कितने क्वेश्चन उठाने हैं? 2 उठाने हैं। तो आपने 6 में से 9 हल करने हैं। तो बट आपका अगर 1 और 2 चैप्टर करते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाता है। फिर इंशाल्लाह मैं आगे गैस पेपर भी आपको बताता हूँ, सारे जो हैं मैं वो गैसेस भी आपसे वो शेयर करता हूँ। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होता है शॉर्ट का, हमने 6 हल करने होते हैं। तो उसमें से 4 में से आपने 1 2 कर लिया, क्लियर होया काम, ठीक है। ऊपर में से यानी कि आपने 6 करने थे, 7 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। इसी तरह से मैं आप लोगों को गैसेस लगाऊंगा। इसी तरह से नीचे देखें तो 6 में से 9 करने थे, तो इसमें से 4 चैप्टर एंड 5 में से आपके क्लियर हो जाता है। पोर्शन 3 यानी कि शॉर्ट वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाता है। तो आगे देखा जाए तो आपका आ जाता है पोर्शन 4। पोर्शन 4 जो है इसमें से आपका 6 ही क्वेश्चन हल करने हैं। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन ऊपर में से 3, इसमें से आप अगर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 3 क्वेश्चन शॉर्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 2 करते हैं, क्लियर हो जाता है, और चैप्टर 9 में से 2 करते हैं तो आपका यो क्लियर होता है। एक एक्स्ट्रा ही हो जाता है और एक एक्स्ट्रा जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी पेयरिंग स्कीम है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम मूव होते हैं, वो देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर आप लोगों का अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर आप देखते हैं तो इसमें से अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इंक्लूड करते हैं तो आपका एक पोर्शन जो है वो क्लियर होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका जो है ये तो आप जो है चैप्टर 1 एंड 2 करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया तो आपका क्लियर होता है। 3 एंड 4 करेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है आपके चैप्टर मैंने ऊपर भी डिस्कस किए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अगर इसको देखते हैं आपने शॉर्ट के अंदर कौन सा चैप्टर किया है उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी ऊपर 3 कवर हो गए, इन तीनों 6 चैप्टर हैं, इनके अंदर क्वेश्चन देख लीजिएगा शॉर्ट कौन सा मिल रहा है एंड लॉन्ग कौन सा मिल रहा है। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हुए। इसी के बाद हम बुक के ऊपर आ जाते हैं। तो बुक के ऊपर ये क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसी के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और उसके बाद जो है आप लोगों ने 3 के बाद क्वेश्चन मैं नीचे स्क्रॉल डाउन देखें तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 13 करना है, क्वेश्चन नंबर 14 करना है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 करना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊंगा। 28 करना है, 30 करना है। जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन मैं करता जाऊं इस तरह से आप अपने जो है ना वो आंसर जो क्वेश्चन है इसका आंसर लगाते जाएं, मतलब आप जो है क्वेश्चन के ऊपर टिक करते जाएं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 का यानी कि पहले चैप्टर के अंदर हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं।
जी जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी तरह से आप अपने जो है बुक के ऊपर निशान लगाते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपने सॉल्व करने हैं।